गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिंपल पारी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा सेवन क्लास की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका था और कंप्लीट भी हो चुका था। आज हम उस लेसन के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए लेसन था हमारा भाईचारा, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से जो हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और आपस में लड़ने से हम हमारी एनर्जी तो व्यर्थ करते ही करते हैं, साथ में हमारी जो मंजिल है वह मंजिल जो प्राप्त करना चाहिए, जिस ताकत को हमें मंजिल प्राप्त करने के लिए लगानी चाहिए, वह ताकत हम बेकार के झगड़ों में व्यर्थ कर देते हैं। तो काफ़ी कुछ हमने उसके बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने, दोनों मुर्खों के क्या नाम थे और वे कहाँ से लौट रहे थे? क्या नाम थे? अक्कड़ और मक्कड़। कहाँ से लौट रहे थे? कहाँ से लौट रहे थे? बाजार से लौट रहे थे ना, हाट से, हाट यानी बाजार से लौट रहे थे। किसके चेहरे खिले हुए थे? भीड़ के चेहरे खिले हुए थे ना, वो मजे ले रहे थे ना उनके, किस तरह से झगड़ा कर रहे थे वो। नेक्स्ट है, दोनों की लड़ाई किसने रोकी, किसने रोकी थी? पक्कड़ आया था ना बीच के अंदर, उसने आके लड़ाई रोकी थी ना, तो पक्कड़ ने उनकी लड़ाई रोकी थी। आगे देखने से शब्द रिक्त स्थान है, कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है बहा उठी और मूछ तन गई। दूसरा आएगा मगर एक कोई था फक्कड़। तीसरा है बोलो कहेगा बीच में ठहरो गला फाड़ कर। चौथे में आएगा सुनी मूर्खों ने जब पानी दोनों जैसे पानी पानी। लास्ट आएगा सबको नामक लड़ना अखरा ताकत भूल गई सब नखरा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं हम। सेकंड में बेटा क्या बताया गया, देखिए निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसने कहा से वाणी में डूबो चलो फिर पानी में, ताकत लड़ने में मत खो चलो भाईचारे हो। तो उसने किसके लिए प्रयोग किया है, उसने कौन बोला था, उसने कहा, किसने कहा, फक्कड़ ने कहा था ना यहाँ पे। पहले उसने किसके लिए प्रयोग किया गया है, फक्कड़ के लिए। उसने लड़ाई रोकने के लिए क्या किया, क्या किया, दोनों को अलग किया था ना, और दोनों को क्या बोला था, ठहरो आपस में झगड़ा मत करो। क्या बात उसकी बात, क्या उसकी बात मानी गई, बिल्कुल मानी गई थी ना, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ था ना कि वो दोनों झगड़ा कर रहे थे और फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो उसकी बात बिल्कुल मानी गई। वक्ता व श्रोता, श्रोता दोनों की एक एक विशेषता बताइए। वक्ता यानी कि कौन, फक्कड़, उसकी विशेषता क्या है कि वह क्या करना चाहता है, आपस में लोगों को मिलजुल कर रहना सिखाना चाहता है। और श्रोता, श्रोता कौन, सुनने वाले, जो भीड़ वगैरह जो खड़ी थी वो श्रोता थी ना, और जो अक्कड़ और मक्कड़ थे वह भी श्रोता थे। उनकी भी आपको कोई भी विशेषता बतानी है कि वो आपस में छोटी सी बात पर क्या होते थे, अक्कड़ मक्कड़ जो थे वह छोटी 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 सी बात पर क्या करने, क्या कर रहे थे, झगड़ा करने के लिए उतारू हो रहे थे। तो दोनों की एक एक विशेषता आपको कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य इस कविता का संदेश बताते हैं। पहला है आपस में लड़कर अपनी शक्ति दिखाना जरूरी है, है क्या जरूरी, क्या है, गलत है ना, ये संदेश नहीं देती ना हमें, आपको रॉन्ग करना है। सेकंड है छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, झगड़ा करना मूर्खता है, बिल्कुल राइट है, छोटी छोटी बातों पर अगर हम झगड़ा करते हैं तो हमारे लिए मूर्खता की निशानी है, हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा आपका लड़ने से जो हमारी शक्ति है वह क्षीण होती है, बिल्कुल जब हम झगड़ा करते हैं तो हमारी जो शक्ति है वह शक्ति क्या होती है, कमजोर पड़ती है, क्षीण होती है। लड़ते हुए लोगों को देखकर आनंद उठाना चाहिए, रॉन्ग, कभी नहीं, जब झगड़ा हो तो झगड़े को हमें समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उसको उकसाना चाहिए। अधिकतर झगड़े झूठे अभिमान के कारण होते हैं, एकदम राइट और सटीक बात है कि वास्तव में अधिकतर झगड़े किसके कारण होते हैं, हम हमारे झूठे अभिमान के लिए झगड़ा करते हैं, अभिमान के लिए झगड़ा करते हैं, ये हमारे अंदर घमंड हो जाता है और हम उससे झगड़ा करते हैं। आगे कुछ शब्दों में अक्कड़ मक्कड़ के साथ हाथ से लौटने के बाद में क्या हुआ, ये छोटी सी कोई बात थी और छोटी सी बात में दोनों आपस में क्या हो गए थे, झगड़ा करने लगे थे। पक्कड़ गला फाड़ कर क्या बोला, क्या बोला था वो, कि ठहरो तुम्हें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में झगड़ा करने से क्या होता है, हमारी जो ताकत होती है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पूरा आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करना है आंसर। नेक्स्ट है आपके, मूर्खों ने जब पक्कड़ की बात सुनी तो क्या किया, क्या किया, उनको अपनी गलती पर क्या हुआ, पछतावा हुआ, जो वो गलत कर रहे थे उस गलती को उन्होंने रियलाइज किया और भविष्य में इस तरह की बात, आपस में झगड़ा करने
आगे चलते हैं, अक्कड़ मक्कड़ की लड़ाई को अपने शब्दों में वर्णन करें कर लेंगे कि किस तरह से दोनों आपस में हंसते हुए आ रहे थे, मित्र थे, और जब रास्ते में आए तो छोटी सी कोई बात पे दोनों अड़ गए, दोनों में झगड़ा हो गया, फिर फक्कड़ आया, उस फक्कड़ में आने से पहले क्या हुआ, जो भीड़ थी वह भीड़ जमा हो गई, सब उनका मजा लेने लगे, आनंद लेने लगे, फिर फक्कड़ आया, फक्कड़ ने उनको अलग किया और उनको समझाया कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हमारी एनर्जी में व्यर्थ के कामों में नहीं करनी चाहिए, वो सारे कुछ आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। फक्कड़ ने दोनों को क्या समझाया, एक ही चीज है बेटा, फक्कड़ ने क्या समझाया कि हमें हमारी जो ताकत है वह अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करनी चाहिए, गलत कार्यों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक हमें रहना चाहिए। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, सबको नहा लड़ना आका ताकत भूल गई सब नजरा, कि सभी को जो वहाँ पे खड़े थे उनको जग रहा था कि जो व्यर्थ में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो सबको उनकी बात क्या लगी, बेमानी से लगी, बेकार सी लगी, और जो ताकत थी वह सारा जो उनका अभिमान था ना उनका, वह अभिमान क्या हो गया, एक तरीके से समाप्त सा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, कवि ने अक्कड़ मक्कड़ को मुक्त क्यों कहा है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, जरा सी कोई बात थी ना किसी बात में झगड़ा कर रहे थे, तो इसलिए उनको क्या करा, उनको बताया कि जरा जरा सी बातों पे ठग जाना, अपने अभिमान को महत्व देना, छोटी छोटी बातों को बड़ा चटपड़ा देना, तो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना वैसी हरकतें करते हैं, जो समझदार व्यक्ति होता है ना बेटा वो कभी भी छोटी छोटी बातों में उलझ कर नहीं रहता है। आगे है, लड़ाई झगड़े से क्या क्या नुकसान होते हैं देख लेंगे ना कि क्या क्या नुकसान होते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है अपनी ताकत का इस्तेमाल हमें गलत तरीके से करने से किस किस तरह की हमें हानियाँ होती है, हम हमारी एनर्जी व्यर्थ कर देते हैं, और जो ताकत हमें अच्छे कार्य में लगानी चाहिए, हमारी मंजिल को प्राप्त करने में लगानी चाहिए, वह सारी एनर्जी ऊर्जा हम व्यर्थ में कर देते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वह लड़ाई झगड़े से होती हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको अपने जीवन के अनुभवों से लिखनी है। आगे है, क्या आपने लोगों को लड़ते हुए भीड़ को तमाशा देखते हुए देखा है, इस घटना को लिखिए और अपना सुझाव दीजिए। ये बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको अपने मर्जी से करना है, ठीक है। इसके बाद में भाषा व्याकरण वाले, इसके अंदर आपको मुहावरे हैं, लिंग है, पर्यायवाची है, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, लेसन कंप्लीट हो गए हैं, फोर लेसन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब आपको क्या करना है, यस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, और जो भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन के आंसर हैं वो आप बुक में ही फिल कर लीजिए, उसको उसमें कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड डे, गुड बाय, टेक।